हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेस में वेलकम करता हूं। आज मैं आपको नेचुरल नंबर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो आपको पेपर में बहुत ही दिक्कत होती है जिससे। तो बात करते हैं क्वेश्चन क्या है, देखेंगे। जैसे क्वेश्चन आता है 1+2+3+ आगे तक जहां तक ले लें, जैसे बात करते हैं 100 तक, और कहेगा प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग बताएं या 1 से लेकर 100 तक ऐसे लिखा है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। 1+2+3+... एन तक ये लगातार की संख्या रहेगी, जिसकी फॉर्मूला होती है एन एन प्लस वन और बाई टू। तो एन के लिए लास्ट नंबर को एन कहते हैं, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर हो जाएगा 100 100+1 एक सा एक और बाई टू, तो ये 2 से 50 वर्ग कर देगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 5050। ये लगातार की संख्या के लिए फॉर्मूला ये लगाते हैं। इसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, जब यहां पर आएगा लगातार के विषम संख्या का, कहीं तक ले जहां तक मर्जी करे, जैसे 59 तक ले, और कहेगा इसका योग निकालना है विषम संख्या में। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको बता देता हूं, 1+3+5+ आगे डॉट डॉट करके एन तक के विषम संख्या का योग निकालना हो तो n+1/2 और ये पूरा का होल स्क्वायर कर देते हैं। एन का मतलब मैंने आपको भी बताया लास्ट नंबर, तो एन यानी 59 एन प्लस वन और बाई टू पूरा का होल स्क्वायर। अब 59 बटे कितना हो गया 60, 60 बटा 2 का होल स्क्वायर। तो ये 2 से कितना वर्ग कटेगा 30 वर्ग में, 30 के स्क्वायर कितना होता है 900, तो 900 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसे नोट कर लेंगे। मैंने आपको लगातार की संख्या बताया, उसके बाद विषम संख्या बताया, इसके बाद चलेंगे सम संख्या पर। जैसे बात करते हैं क्वेश्चन कैसे आता है सम संख्या के स्क्वायर पर, जैसे 2 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, या आगे चलेगा 20 का स्क्वायर, कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला बता देता हूं आपको, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर ऐसे एन का स्क्वायर, मतलब आगे सम संख्या के स्क्वायर जितना भी हो, तो एन एन प्लस वन एन प्लस टू और बाई सिक्स होता है। एन का मतलब मैंने आपको बताया लास्ट संख्या, तो यहां पर एन के जगह लेंगे 20, फिर एन प्लस वन यानी 21, फिर एन प्लस टू यानी 20 और 2 22 और बटन में ये हो गया 6, 3 × 6 = 21, 2 × 20 होता है। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 22 × 7 = 154 और उसमें 10 से गुणा होगा तो हो जाएगा आपका 1540। तो ये आपका आंसर हो गया। अब मैं आपको पीछे बताया क्वेश्चन और अभी जो मैं बता रहा हूं ये सम संख्या का है। विषम संख्या में भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे यही, और इसी से आ जाएगा। जैसे बात करते हैं कि 1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर कहीं तक ले लीजिए, जैसे बात करते हैं 13 तक ले लीजिए, और इसका स्क्वायर बनाना है। तो जो सम संख्या का स्क्वायर का फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला से इसको भी बढ़ा सकते हैं। जैसे यहां भी मैंने बता दिया एन एन प्लस वन और एन प्लस टू और अपॉन सिक्स से सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहां पर एन की जगह 13 है, फिर 13+1 = 14 हो जाएगा, फिर 13+2 = 15 हो जाएगा और बटन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब काट लेंगे 3 × 6 = 3×5 = 15, 2 × 7 = 14, तो ये हो जाएगा 13 × 7 = 91 और 91 में 5 से गुणा करेंगे, 5 × 5 = 5, 5 × 9 = 45 यानी 455 ये आपका आंसर आ गया। तो मैंने आपको बताया लगातार की प्राकृत संख्या, उसके बाद बताया सम संख्या के स्क्वायर, फिर आपको मैंने बताया विषम संख्या के स्क्वायर, फिर पीछे विषम संख्या भी बताया। अब एक टाइप और बता देता हूं, इसमें देखना इसे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से, तो इसे नोट कर लेंगे और ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे बात करते हैं इसमें प्राकृत संख्या में स्क्वायर रहेगा तो कैसे करेंगे, जैसे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कहीं तक ले लेंगे, जैसे मान लीजिए ले 20 का स्क्वायर था, फिर कैसे करेंगे।
तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एक स्क्वायर, दो के स्क्वायर, तीन के स्क्वायर, कहीं तक एन तक, एन के स्क्वायर तक। तो एन एन प्लस वन, टू एन प्लस वन और बर्थडे में होता है छ। अब एन का मतलब लास्ट वाली संख्या यानी बीस ले लेंगे, तो बीस और बीस प्लस वन इक्कीस, फिर हो गया यहां पर एन के जगह बीस रखेंगे, बीस दो चालीस और एक इकतालीस और बर्थडे में क्या हो गया छ, तीन दुना छ, तीन सत इक्कीस, दो से काटेंगे दस बार में, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे दस सत सत्तर, इकतालीस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका अट्ठाईस सत्तर, ये निकल जाएगा। तो इससे कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं, एन का मतलब लास्ट नंबर के लिए होता है। एक और क्वेश्चन दिखा देता हूं, जैसे एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, सिंपल सा दिखा देता हूं आपको क्लियर हो जाएगा, और दस तक स्क्वायर मान लीजिए। एन का मतलब होता है लास्ट नंबर, एन इसको कहते हैं, एन का मतलब होता है लास्ट नंबर। तो यही फॉर्मूला है एन एन प्लस वन, टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, एन के जगह दस, एन प्लस वन ग्यारह, टू एन प्लस वन दस दूना बीस और इक्कीस और बढ़ते में क्या हो गया छह, तीन दूना छह, तीन सत इक्कीस और दो पांच दस, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे ग्यारह पांच पचपन, सात तीन सौ पचास, यह आपका आंसर हो गया। तो मैं बेसिक से आपको वीडियो इसी तरीका से लाते रहूंगा और आगे बढ़ाता रहूंगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर कोई कमी दिखे तो कमेंट बॉक्स में आप बता भी सकते हैं, और आप ऐसे ही देखते रहें वीडियो और मैं बनाता रहूंगा। ओके, धन्यवाद।